दोस्तों अगर आप भी एक क्रिकेट फैन हैं तो 3 लाख लोगों की तरह आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड सभी लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज आपको लगातार मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस एंटरटेनमेंट की बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में। और दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच की। दोस्तों ये मैच चल रहा है और इसकी पहली इनिंग में ही यानी पहले दिन में ही टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्म करके दिखाया है और अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया इस मैच को तो जीतेगी ही, साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज पर भी अपना कब्जा करने वाली है। दोस्तों टॉस जीता इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और टीम इंडिया के लिए बॉलिंग करने का न्योता दिया, लेकिन विराट कोहली ने प्लेइंग 11 में बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया, जिस प्लेइंग 11 के साथ वो पिछला तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जीते थे उसी प्लेइंग 11 के साथ एक बार फिर ये यहाँ पर उतरे और जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं उन्होंने यही किया, प्लेइंग 11 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की और जिसका फल हमें सामने देखने को मिल रहा है। इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर नहीं टिक पा रहा है और हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी शानदार बॉल कर रहे हैं और जिनके चलते ऊपर के सभी बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 30 ओवर होने से पहले ही इंग्लैंड की टीम ने 5 विकेट्स गवा दिए हैं, यानी अब टीम इंग्लैंड के लिए बड़ा स्कोर खड़ा कर पाना बेहद मुश्किल है और जो कि टीम इंडिया के लिए इस सीरीज में वापसी करने के लिए बेहद अच्छी बात है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अब क्या टीम इंडिया इस चौथे टेस्ट मैच को जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें और क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप अभी आरएस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करके रखें। धन्यवाद।